व्हाट्सअप गाइस एंड जियो फाइबर के रेफरल प्लान को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के दिमाग में, एंड इसीलिए कई सारे लोग इस वाले प्लान का फायदा नहीं उठा पाते। मैंने यहाँ पर एक इनडायरेक्ट पोल किया था लास्ट वीक, जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था क्या मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या नहीं, एंड आप में से काफी सारे लोगों ने बोला कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। इस वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किपिंग, एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा आएगा, देखते रहिए। सबसे पहले बात करेगी यार ये रेफरल प्लान है क्या एक्चुअल में। सो अगर आप जियो फाइबर लगवाते हो नया, या फिर अगर आप जियो फाइबर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और किसी और को रिकमेंड करते हो, अपनी आईडी के थ्रू रेफर करते हो, सो उसी को हम जियो फाइबर रेफरल कहते हैं। अब इसके दो तरीके। सबसे पहला तरीका कि यार आप अगर नया जियो फाइबर कनेक्शन लगवा रहे हो, सो फिर आप रेफरल का फायदा ले सकते हो खुद अपने कनेक्शन के लिए। एंड सेकेंड फायदा यहाँ पर यह है कि अगर आप ऑलरेडी जियो फाइबर यूज़ करते हो तो आप किसी थर्ड पार्टी को रेफर करके भी उसका फायदा उठा सकते हो। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं कि अगर आप जियो फाइबर कनेक्शन नया लगवा रहे हो तो आप किस तरीके से रेफरल का फायदा ले सकते हो। सो इसका सिंपल सा मेथड है यार, अगर अपने किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव ने ऑलरेडी लगवा रखा है तो उनके आईडी के थ्रू आप रेफर ले सकते हो, ताकि आप दोनों को फायदा हो जाए। एंड सेकंड मेथड इज कि अगर आपके किसी भी रिलेटिव फैमिली फ्रेंड किसी ने भी नहीं लगवा रखा, सो फिर आप जो है खुद जियो फाइबर का जो आया है बंदा आपके इधर लगाने, उसके थ्रू भी रेफरल का फायदा ले सकते हो। उन लोग तो यार दिन में देखो काफी सारे कनेक्शन करते हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों के पास काफी सारे रेफरल होते हैं ऑलरेडी। अब इसको अवेल कराने के लिए जो भी इंजीनियर आपके इधर एप्लीकेशन करने के लिए आया, इंस्टॉलेशन करने के लिए आया है, उस बंदे से आपको बात करनी पड़ेगी एंड उसको बताना है कि आपको रेफरल लेना है। सो वो सिंपली किसी की भी आईडी से आपको रेफर दे देगा। एंड इस वाले रेफर का बोनस क्या होता है तो वो बता देता हूँ। सो बेसिकली अगर आपने जियो फाइबर का कोई भी कनेक्शन लिया है, मान लीजिए 1500 का है या 2500 रुपए वाला है, सो उसमें फिर अगर आप रेफरल लेते हो तो उससे फायदा क्या होगा कि आपने नॉर्मली एक मंथ तो फ्री ट्रायल यूज किया ही है, सेकेंड मंथ आपको पे करना पड़ता है फॉर द रिचार्ज, एंड थर्ड मंथ आपको फ्री मिल जाता है अगेन फॉर द रेफरल प्लान। सो यहाँ पर जो थर्ड मंथ का आपका यूसेज था उसका आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। एंड सिमिलरली अगर आप सेकंड मेथड की बात करें, यानी आप अगर किसी को रेफर कर रहे हो तो उसको और आपको क्या फायदा होगा। सो अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो एंड वो बंदा कनेक्शन लगवा रहा है तो ऑलरेडी आपको एक मंथ फ्री मिल जाएगा, एंड जिस बंदे ने लगवाया उसको सेम जैसा मैंने अभी पहले बताया कि उसको भी एक मंथ मिल जाएगा वन मंथ रिचार्ज कराने के बाद में। सो यहाँ पर आप दोनों का इस तरीके से फायदा हो जाता है। अब अगर बात करें कि आप किसको रेफर कैसे कर सकते हो, सो उसका सिंपल सा तरीका है अपनी आईडी पर जाना, वहां पर माई जियो एप्लीकेशन पर जाना, एंड माई जियो एप्लीकेशन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, एंड काफी इजीली आप किसी को भी अपना प्लान रेफर कर सकते हो। एंड फर्स्ट कनेक्शन पर तो यार मैं बोलूंगा कि आप जियो फाइबर के इंजीनियर से ही बात करो, सो वो आपको सिंपली इजीली काफी जो रेफरल प्लान है वो अवेल करा देगा। एंड इसी तरह से जो है रेफरल वाला बोनस काम करता है, एंड इसी को यूज कर कई सारे लोगों ने काफी ज्यादा मंथ फ्री यूज किया। इवन मैंने भी 3 मंथ फ्री यूज किया जियो फाइबर को, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने कई सारे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को ऑलरेडी रेफर कर चुका है, जिसके कारण मुझे हर महीने कभी ना कभी एक आध महीने का फ्री बोनस मिल जाता है। एंड मेरे केस में मुझे हर बार 150 Mbps का ही प्लान फ्री में मिल गया है, सो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट, एंड गाइस जियो फाइबर पर काफी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, कोई भी डाउट है जाकर देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।